मेरे हाथ देखो, मैं एक वीडियो ले रही थी और मैंने मेरे हाथ को ऐसा ये कर दिया। ठीक है, ऐसा रेड रेड लग रहा है यार, काट लिया है मैंने हाथ। इससे आगे हिल ही नहीं रहा है। ये बिहारी रेस्टोरेंट है और ये खाना सारा बिहार का करता है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? यार मज़ा आ रहा है दो दिन में ट्रैवल करके, थोड़ा यहाँ वहाँ बहुत कुछ कवर करना अभी भी बाकी है। अभी भी मेरे पास दो तीन दिन है कवर करने के लिए। लेट्स सी क्या क्या करती हूँ कवर। अरे पता है, मेरी एक फ्रेंड आ गई है यहाँ, मेरी नेबर ही, मतलब नेबर नहीं, पास में ही रहती है बस घर के डोंबिवली में, तो वो भी आई है दिल्ली। तो शायद आज हमारा प्लान है घूमने का साथ में। लेट्स सी, वो फ्री रहेगी तो घूमूंगी, नहीं तो फिर ऐसा नहीं कि वो आई है और उसका दूसरा प्लान है और मैं उसको बोली चल चल मेरे साथ घूम, ऐसा नहीं करूँगी। तो देखते हैं, अभी वो अगर फ्री है तो फिर उसके साथ घूमूँगी कि मैं फिलहाल नाश्ता कर लेती हूँ सुबह, फिर एडिटिंग कंप्लीट करके ही निकलूँगी घर से। एडिटिंग बाकी है मेरा, तो देखो नाश्ता आज इतना थाली भर सजा के दिया हुआ है जीजू ने, और आज जीजू ने मस्त चाय पिलाई है मुझे। यार चाय पी के मन खुश हो जाता है मेरा एकदम। तो चलो पहले मैं ये खा लेती हूँ अच्छे से, नहीं तो फिर बाद में पता चला नहीं खा पाई। चलो यार, मेरे ट्राइपॉड को कुछ हो चुका है यार, वो हिल रहा है बहुत, पता है मेरे को लग रहा है मेरे को अच्छे ट्राइपॉड की ज़रूरत है, मतलब गिम्बल की ज़रूरत है अब, ऐसा लग रहा है बहुत ऐसा लूज हो गया है ये। यार कितनी खर्चा होता है यार, पर ठीक है ये तो इन्वेस्टमेंट है ना अपना, कर लेंगे। यार जीजू गए हैं बाहर दीदी को छोड़ने ऑफिस, और मैंने ये मेन डोर का कड़ी लगा दिया जो अब मुझसे खुल नहीं रहा है। ये देखो कब से मैं ट्राई कर रही हूँ। दीदी को भी फ़ोन करके पूछ लिया कि कैसे खुलेगा दीदी, तो दीदी बोली दबा के खोल थोड़ा, पर वो खुल नहीं रहा। मैंने क्यों लगा दिया यार ये कड़ी, मुझे पता था कि मुझसे ये सब चीज़ खुलता नहीं है। अब जीजू कैसे आएंगे अंदर, मैंने उनके घर में उनको लॉक कर दिया, ऐसा लगेगा। शिट यार, ये कैसे कैसे टाइट हो गए, देखो इससे आगे हिल ही नहीं रहा है, थोड़ा ऊपर और ऐसा। हाँ चलो पहले मैं कर लूँ ये सब, फिर बाद में आप लोग को आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हो। यार डर लग रही है अब, कैसे होगा। हेलो, तो हम लोग आ गए कुतुब मीनार, और मेरे साथ फिर से जो डोंबिवली में मिलती नहीं है वो दिल्ली में मिल रही है। तो वो आई है, और अभी हम कुतुब मीनार मेट्रो से आए हैं, फिर वहाँ से 20 रुपीज़ पर पर्सन ऑटो रिक्शा से हम लोग को कुतुब मीनार छोड़ा है। 20 रुपीज़ मुझे लगता है इतना नज़दीक है तो मैं चल के आ जाती, पर ठीक है चलो कोई नहीं। तो फिर अभी हम लोग टिकट के लाइन में रुके, तो टिकट का कितना होता है पैसा वो भी मैं आपको बता दूँ। पर 40, अच्छा हाँ लिखा हुआ है फॉरेन विजिटर 600, पर ठीक है यार उधर भी रहता है ऐसा, फॉरेन विजिटर 600, इंडियन विजिटर 40। चलो फिर, तो ये है हमारा कॉइन दिया है उसने, वो शायद उधर जाके दिखाना पड़ेगा। तो चलो पहले मैं अंदर चली जाती हूँ, फिर आपको आगे का ब्लॉग बताती हूँ। ये तो पता नहीं अभी डोंबिवली बोल रही हूँ, पता है दिल्ली में बहुत चेकिंग हो रही है, शायद पता नहीं आज कुछ फार्मर प्रोटेस्ट है, इसके लिए बहुत कुछ बंद भी है, तो ये नसीब से चालू है। अभी चलो अंदर जाकर दिखाती हूँ, मेरे को दिल्ली आके कुछ वर्थ नहीं लग रहा था, पता है वो इंडिया गेट घूम के, इंडिया गेट बंद सब बंद। तो यहाँ इन लोग ने मेरा सेल्फी स्टिक ले लिया है, मतलब जो मेरा ट्राईपॉड है वो, और मेरे को हाथ से ब्लॉक करना पड़ रहा है। कैसे चलेगा ऐसे यार, बैग में रख के लेके आओ, तुम लोग को आना है तो बैग चेक नहीं करते अच्छे से इन लोग, खाली यही है। वाह यहाँ सुंदर है यार जगह। चलो आप लोग को कुतुब मीनार दिखाती हूँ नीचे से ऊपर। दिख भी नहीं रहा यार, वो साइड से दिखेगा, इस साइड अंधेरा, देखो आसपास ऐसे दिखता है कुछ। ओके आंटी फोटो ले रही है, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो ये है कुतुब मीनार, जो मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे नहीं पता था, और यहाँ आते आते मेरा ट्राइपॉड ले लिया, मैं उससे ज़्यादा क्या बोलूँ। तो अभी इसने फ़ोटोज़ वगैरह निकाल लिए, ये कैमरा लेके आई है, तो हमने अभी फ़ोटोज़ वगैरह थोड़े निकाल लिए, इसने निकाले मतलब मेरे, मैंने भी एक दो निकाल लिए फ़ोन से। यहाँ गर्दी वैसे ठीक ठाक ही है, गर्दी नहीं गर्मी है। हाँ गर्मी है बहुत बहुत ज़्यादा। अभी हम लोग यहाँ से और कहीं जाने का सोच रहे, पर फिलहाल यही बहुत बड़ा है, फर्स्ट टाइम है, पता नहीं था, मुझे लगा सिर्फ यही रहेगा कुतुब मीनार खाली यहाँ पर, बट है बहुत कुछ यहाँ पर, तो चलो कुछ पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन घूम लेते हैं तो, और आपको भी दिखाते हैं क्या क्या है। चलो
हाथ देखो, मैं एक वीडियो ले रही थी और मैंने मेरे हाथ को ऐसा ये कर दिया, ठीक है, ऐसा रेड रेड लग रहा है यार, काट लिया है मैंने हाथ। अभी अभी आचल ने दो लड़कों के फोटो खींचे। ऐसा अच्छा फिल्टर मैंने आज तक कभी नहीं देखा था, इतना सुंदर फिल्टर था आचल का, नॉन फिल्टर था। पर कोई नहीं, चलो बहुत गर्मी हो रही है, हम सोच रहे हैं अब यहाँ से निकले थोड़ा, हम बहुत कुछ है यहाँ पर घूमने बट कोई चीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो फिर मज़ा नहीं आ रहा है घूमने में। कोई गाइड वाइड भी दिख नहीं रहा है यहाँ, नहीं तो जिसको हायर कर सके, नहीं तो मैं कर लेती जो गाइड जो हर जगह के बारे में। क्या होता है वाइड, नहीं गाइड बोला तो गाइड वाइड बोली। अच्छा तो वही, तो वो अगर मिल जाता ना यहाँ तो फिर मैं कर लेती उसको और पूछ लेती यार हर जगह के बारे में, पर समझ में नहीं आ रहा है कुछ। गूगल पे भी देखा, ज़्यादा कुछ नहीं दिखा रहा है। तो चलो फिर अब यहाँ से निकलते हैं, अभी खाते हैं, भूख लगा है बहुत ज़ोर से। आ चल मोमोज प्लीज। तूने देखा है ना एक मोमोज का जगह, बट वो बहुत दूर है, बहुत दूर है। चलो देखते हैं आसपास जो भी मिले हम दिखा देंगे आपको। बाय। ओ पहले जाने से पहले मेरे को मेरा ट्राईपॉड लेना है, भूल मत आचल। अरे अरे कहाँ है, वही है ना एंट्रेंस पे और एग्जिट यहाँ से। अरे बट मेरे को लगता है वो फिर से उधर से आके उल्टा लेना पड़ेगा। क्यों पर, अरे नहीं यहाँ से ले सकते, यहीं से। अरे बट वो फिर से बोलेगी कि अंदर कैसे जा रहे हो, तो पागल है क्या वो? अरे बाहर रोड से बोलते हैं ना उसको। पक्का? भैया अंकल यहाँ से हमको ये लेना है, हमारा ट्राईपॉड यहाँ रखा हुआ है, ट्राईपॉड लेने के लिए आप घूम के जाना पड़ेगा, गेट पर जाके आ जाएंगे, दे देंगे। ठीक है चलिए, ओके था ना। तो चलो फिर, ये अंकल ने वही बोला। नहीं हूँ वाइल्ड। तो चलो अभी बाहर जाके हमें ट्राईपॉड मिलेगा, घूम वूम नहीं कर देना चाहिए या कोई लेके नहीं जाना चाहिए, इनको कैसे याद रहेगा हमने दिया इनको। तो कोई नहीं, चलो मैं व्लॉग में बता दूंगी उनको, व्लॉग ये देखो हमारे हाथ में था। यहाँ गार्डन भी है बहुत अच्छे अच्छे, रुको मैं दिखाती हूँ आपको। कैसे बताएगी अदिति? मुंबई में भी है वैसे, यहाँ भी है गार्डन भी है, वो KDMC वाला अपने इधर, और ऐसा खूबसूरत जगह है और ये खूबसूरत आंचल। अब हम जा रहे हैं सीधे, अब हम मेट्रो स्टेशन पे हैं। ये देखो आचल ने भर के लाया सब कुछ बैग में। मेरे को कोक है, ओ ब्लू लेस। तो चलो अभी यहाँ से हम पकड़ेंगे मेट्रो, फिर जाएंगे सीधे और फिर शायद जाएंगे कहीं और, आपको बताती हूँ मैं आगे। तो चलो फिर अभी फिलहाल आ गया, यही है ना, चलो आ गया। देखो राजीव चौक है, बहुत जोर से भूख लगा हुआ है, अभी जाएंगे खाने कुछ, लेट्स सी क्या खाते हैं, आपको सब कुछ बताऊंगी। तो भाई हम CPA ब्लॉक तो पहुंच गए, लेकिन यहाँ कुछ खाने के लिए स्ट्रीट फूड दिख नहीं रहा है, होटल्स तो है लेकिन स्ट्रीट फूड्स नहीं है, और हमें स्ट्रीट फूड्स खाना है। मुझे लग रहा है थोड़े टाइम में आचल मेरे को अभी गाली देने वाली है यहाँ पर, क्योंकि एक भी स्ट्रीट फूड दिखा नहीं है अब तक हमें, दिखा तेरे को कोई? वो है पर वहाँ छोटा सा, वहाँ खा सकते हम, बट और तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। और इसके ऊपर ही है म्यूजियम ऑफ इल्यूशन, मेरे को वहाँ जाना है, पर देखते कब जाए वो, पहले खा लेते कुछ। किधर जैन खाना चल, तो जैन खाना खिला रही है यार। तुझे पता है तूने दिल्ली का पानी पूरी खाया? मत खाना, नहीं तो डोंबिवली का पानी पूरी के लिए तू तरस जाएगी, पता है? क्यों? मैं फर्स्ट डे इधर आके पानी पूरी खाई, पूरी इतना मोटा है ना इधर का, वो कलकत्ता जैसा। शिट शिट बहुत ज़्यादा, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हम यहाँ आए हैं ए ब्लॉक में, ये एक शॉप है जहाँ पर सब कुछ मिलता है। तो हम सोच रहे हैं हम ये खाए मोमोज। तो CP घूमते घूमते हम लोग को ए ब्लॉक से डी ब्लॉक चलते चलते, डी ब्लॉक में हमें एक शेवपुरी वाला दिखा है, वहाँ जो मैं आपने दिखाया आपको दिखाया मैंने, वह हमने खाया नहीं क्योंकि मन नहीं किया। तो यहाँ देखते हैं कि शेवपुरी है ना, ओ ये शेवपुरी है कि नहीं, पान वाला दिख रहा है, ये तो पान है। अच्छा तो क्या सर्च कर रही है? आउटसाइड ऑडियंस
अरे यार हाँ चलो यार ढूंढते रहते हैं, भूख लगी है, मिल गया हमें। तो ये है गीला भेल और ये है शेवपुरी। अच्छा है, मस्त है ना। क्या ये अंकल का नाम क्या था, हमें देखा नहीं ना, गूगल पे दिख गया था शेवपुरी नज़दीक है डी ब्लॉक के, तो हम लोग वहाँ पर से फिर ले लिए। कितने का है वो भी नहीं पूछा रहे अपन ने पर ठीक है चलो, रेट आप लोगों को ज़्यादा महंगा नहीं होगा शायद, आप आके खा सकते हो उतना तो होगा ही। तो चलो फिर ये खा लेती हूँ मैं, फिर आपको आगे बताती हूँ। क्या अच्छा बहुत भूखे थे हम लोग और यहाँ आसपास कुछ नहीं मिला हमें तो एक शेवपुरी और एक भेल ख़त्म हो चुका है, अब और एक लेने जा रहे हैं। मेरे को बहुत तीखा लग रहा है तो अभी मैं मीठा वाला बोली उनको देने के लिए और खाते हैं। यार बहुत ज़ोर से भूख लगा है, आसपास में कुछ और नहीं और हमें स्ट्रीट फूड ही खाना है, दिल्ली आए स्ट्रीट फूड नहीं खाए कैसे चलेगा यार। तो आचल अभी रुकी हुई है वहाँ पर मेरे लिए शेवपुरी लेके आ रही है, तो मुझे उठने में बोर हो रहा है, देखो मैं कहाँ बैठी हूँ। नहीं कार्निवल सिनेमा मेरे सामने, खुरमा भी है इधर ही और इधर वो भेलपुरी वाले अंकल है सामने, ये देखो ये है भेलपुरी वाले अंकल यहाँ पर। ये फ्लैग है जो सीपी के एकदम सामने मिलेगा आपको, ये देखो ये फ्लैग है और ये सीपी है। तो निशी मासी मेरे को यहाँ लेके आई है, निशी मासी के हस्बैंड भी जो आगे चल रहे हैं, निशांत मौसा जी दिल्ली के एक होटल में वॉशरूम में है ये सोफा। तो अब हम आए हैं दी पॉट गली में, तो ये होटल के बारे में मुझे भी पता नहीं था, मासी और ये निधि मासी लेके आ गए मुझे साथ में। तो चलो मैं आपको पहले इसका ये दिखाती हूँ कैसे दिखता है ये मासी है। तो ये होटल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने चाहती हूँ कि मतलब ये होटल कुछ अलग लगा मुझे, जैसे बिहारी फूड्स मैंने नहीं सुना था, अलग ही बिहारी फूड्स कहीं मिलते हैं ऐसा जाके। तो आप ये बताएंगे अभी अच्छे से आपको क्या है ये होटल। सो होटल नहीं सॉरी रेस्टोरेंट ये बिहारी रेस्टोरेंट है और ये खाना सारा बिहार का करते हैं और जो इनकी ओनर है वो भी बिहार से है। इनके 3 आउटलेट है दिल्ली में, एक बिहार भवन में है, एक शाहपुर जाट में और एक ये 32 माइलस्टोन में है और यहाँ ऑथेंटिक बिहारी फूड मिलता है अभी नाम भी पढ़ोगे ना आप यहाँ के डिशेस के तो हाँ। समझ में आ जाएंगे आपको क्या क्या है। हमें चोखा लिखा हुआ है चोखा लिखा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा बिहारी है। तो हमने ऑर्डर करे हैं बच्चा बास्केट बच्चा बास्केट तो देखते हैं वो कैसा मिल आएगा तो हम बताएंगे आपको जब आएगा तब। ठीक है ठीक है थैंक यू